Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है Unacademy स्टूडियो वॉल्ट पे. माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर. और आज हम बात करेंगे अपने मॉक टेस्ट 2 की. आई होप कि मॉक टेस्ट 1 की पीडीएफ आपको मिल चुकी है ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा. आज मॉक टेस्ट 2 की बात करेंगे. हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे और हम कितना उसके बारे में जानते हैं हम वो बात करेंगे. मजे की बात यह है कि मैं अभी आपको दिसंबर ही करवा रहा हूँ, और दिसंबर मैंने आपको पिछले LIC के एग्जाम में भी करवाया था. तो मेरे हिसाब से आपको सारे आंसर याद होने चाहिए. तो आपको सारे आंसर याद है कि नहीं वो देखते हैं. अपने नॉलेज को जज करिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. तो आपका मोस्ट वेलकम है Unacademy स्टूडियो वॉल्ट पे गाइज, और मेरे साथ जस्ट एग्जाम, लेट्स क्रैक इट. तो गाइज ये मेरा स्केड्यूल है. अभी 1:30 पर फिर से हमारी क्लास होगी, और वो क्लास बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पर होगी. तो वहां भी आपका मोस्ट वेलकम है. हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं Unacademy Plus प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता हूं. आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं मेरे स्पेशल लेक्चर के लिए, एज वेल एज मेरे पेड कोर्सेज भी आते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइज. तो ये आपके ऊपर है. तो Unacademy की बात करें गाइज, तो अगर आपको Unacademy के पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आपके पास Unacademy का लर्निंग ऐप होना चाहिए. डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद लॉग इन कर लीजिए. लॉग इन के बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं चूज योर गोल. तो चूज योर गोल पे जाके जरूर से बैंक एग्जाम पे क्लिक कर ले अगर आपको हमें फॉलो करना है. तो बैंक एग्जाम पे एक बार क्लिक कर लेंगे तो फिर गाइज क्या होता है वो मैं आपको सीधे पहले बता दूं क्या होता है. तो उसके बाद सीधे आपके सामने ये विंडो खुल के आएगी, ये विंडो. और आपको यहां पर ये बताया गया है कि आप Unacademy को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्यों करेंगे आप लोग, उसके बारे में बात कर लें. देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए हमें बेटर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. अब गाइडेंस हमें कहां मिल सकता है? अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है, ये आप जानते हैं. कंपैरिजन टू ऑफलाइन, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, मैं ऑफलाइन के सारे मार्केट को भी जानता हूं, और मैं ऑफलाइन के सारे एजुकेटर को भी जानता हूं. तो ऑनलाइन में कंटेंट आपको थोड़ा अपडेट मिलता है, थोड़ा क्विक मिलता है, तो ऑनलाइन मार्केट इज गुड, हम इतना जानते हैं. अब ऑनलाइन मार्केट में हम कहां फॉलो करें, किसको फॉलो करें, हम किसको फॉलो करें कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए, जरा सा एक बार दिमाग लगा बताइए. देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जिसे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जरा सोचिए हर इंस्टीट्यूशन में आपको पेड कोर्सेज के लिए कम से कम 4 या 5 एजुकेटर ही मिलते हैं, लेकिन Unacademy Plus प्लेटफॉर्म पर आपको किसी एक एग्जाम के लिए मोर देन 60 एजुकेटर्स मिलते हैं. सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात. किसी और प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे और पेड कोर्सेज लोगे, लेते हैं आप लोग, मुझे पता भी है लेंगे आप लोग, तो कितने क्लासेस मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे, 100 क्लास, 200 क्लास की बात कर रहा हूं, कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं. कोर्स तो एक ही मिलता है, 100 क्लास, 200 क्लास, खत्म. Unacademy पर गाइस आपको तो केवल 200 कोर्सेज मिलते हैं, क्लास की बात छोड़िए. आप सोचिए कितना ज्यादा कंटेंट है, कितना आपको कंज्यूम करना है, और वो सारा बेस्ट कंटेंट है. गाइस माइंड में ये बात भी रखिए, आप कंपैरिजन करिए ना. तो Unacademy को अगर देखिए, अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में या ग्रेड बी के एग्जाम्स में, तो आपके पास कम से कम Unacademy का 1 साल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. और 1 साल की फीस कितनी है? 1 साल की फीस है 6,000 रुपए, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है. यह भी पे नहीं करनी है आपको. अगर आप AM लाइव कोर्स से एडमिशन लेंगे गाइस तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, और इसकी फीस पड़ेगी आपको 5,400 रुपए, 5,400 रुपीज मात्र 1 साल के लिए Unacademy. जो मैंने आपसे बोला, नंबर ऑफ एजुकेटर्स कम से कम 60 एजुकेटर्स मिनिमम, नंबर ऑफ कोर्सेस कम से कम 200 कोर्सेस, और क्या चाहिए आपको 1 साल के लिए पूरा. तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा कोड है, इसके थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ये कोड मेरा, ठीक है. और ऐसे बच्चे जो कि मतलब Unacademy को अभी बिगनर है, तो गाइस देखिए फीस हमारी बढ़ जाती है, तो आपको बार बार फीस पे ना करना पड़े, ज्यादा ना पे करना पड़े. तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनके लिए हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है जिसकी फीस 9,600 रुपए आपको शो हो रही है. लेकिन अगर आप AM लाइव कोर्स से एडमिशन लेते हैं गाइस, तो ये फीस कम होकर 8,640 रुपए की पड़ेगी आपको. ये इंफॉर्मेशन भी कई बार मैं आपको दे चुका हूं, तो देख लीजिए. अगर आपने मन बना लिया है तो आज ही Unacademy को सब्सक्राइब करें विद AM लाइव कोर्स. अगर आप रेलवे SSC UPSC के भी एग्जाम देते हैं तो गाइस ये कोड मेरा वहां भी वो हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है. चलिए गाइस, तो मॉक टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं. देखो गाइस एक बात समझना, ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसको शुरू से ज्वाइन कर लेना और रेगुलर रहना थोड़ा सा, अगर आपको सही मार्क्स चाहिए जनरल अवेयरनेस में. तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, गुड मॉर्निंग. द फोटो डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज इनवाइटेड एंट्रीज फॉर द विच एडिशन ऑफ द नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड. सॉरी, वी हैव 5 ऑप्शंस.
गुड मॉर्निंग. और गाइस जरा सा सेशन को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें. आपके जो भी टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी हैं, आप अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें, बिकॉज हमारे लिए हर व्यू इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज इसे कर दीजिएगा. चलिए आंसर की बात करें. यहां पे आंसर आ रहे हैं और मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं 9th एडिशन के लिए. तो क्या ये 9th एडिशन था? आरती तिवारी जी बोल रही है 7th एडिशन है, बाकी सारे बच्चे 9. महिमा बोल रही है स्किप. अमर ज्योति बोल रहे हैं 8. क्या ये सही आंसर है? आइए देख लेते हैं एक बार. तो आंसर इज 8th एडिशन, यानी कि याद नहीं है, यानी कि दिसंबर का पॉइंट है. यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन LIC में आता तो आप लोग करके ना आते, गलत करके आते, मतलब है ना, दिसंबर का है गाइस. 8th एडिशन. तो फोटो डिवीजन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के लिए एंट्रीज भेज चुका है, इनविटेशन भेज चुका है, और 8वां एडिशन होगा इस अवार्ड का, ये हमको मालूम चल चुका है. तो एक पॉइंट हमारे सामने. अनुज जी गुड मॉर्निंग, मिंटी जी गुड मॉर्निंग. चलिए यहां पर देखते हैं. ठीक है, देखिए तो गाइस 8वां एडिशन है, ये तो हमको मालूम चल गया है. अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो है वो बेसिकली तीन कैटेगरीज में दिया जाता है. एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक अवार्ड फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और एक अवार्ड फॉर एमेच्योर फोटोग्राफर. तो आठवां एडिशन किसका? नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड का. और ये कितने कैटेगरीज में दिया जाएगा? तीन कैटेगरीज में दिया जाएगा. तीनों कैटेगरी के नाम आपके सामने है. हम आपको पूरी डीप में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें. देखिए जो हमारे टारगेट है मींस IBPS क्लैरिकल मींस, तो IBPS क्लैरिकल मींस की आप बात करें तो आपके जनवरी में एग्जाम है, तो दिसंबर मंथ मोस्ट क्रूशियल होने वाला है, इसीलिए हम इतना टाइम ले रहे हैं. और जो बच्चे RBI असिस्टेंट को भी टारगेट कर रहे हैं गाइस, तो मान लीजिए मार्च में आपका एग्जाम है मींस का फॉर एग्जाम्पल, तो दिसंबर तो इंपॉर्टेंट है ही आपका. तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं गाइस कि एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा दिसंबर का, तभी आगे बढ़ेंगे. तब नवंबर करेंगे, देन अक्टूबर करेंगे, पूरा पूरी तरह से छप जाना चाहिए हमारे माइंड में, ये हमारा टारगेट है YouTube. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना इनॉग्रेटेड द स्पेशल एडिशन ऑफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैंपियनशिप? बांग्लादेश में पहली बार एक ऐसा प्रीमियर लीग हो रहा है जो बिना फ्रेंचाइजी के हो रहा है. अच्छा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है. जरा मुझे यह बता दीजिएगा कितनी नंबर ऑफ टीम इसमें पार्टिसिपेट की थी. जनवरी में इसका फाइनल मैच होगा फिलहाल. और यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोग बोल रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 2 बंग बंधु बांग्लादेश प्रीमियर लीग. ठीक है, चलिए बंग बंधु बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, कोई गलती नहीं है. मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितनी टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ये आप लोगों को मालूम है? चलिए देख लेते हैं. आइए यहां पर देखिए, तो यहां पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है गाइस, टोटल 60 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 46 इसमें मैचेस होंगे, 46 मैचेस खेले जाएंगे, और फाइनल मैच जो है वो 17 जनवरी 2020 को खेला जाएगा. ठीक है, तो ये सब पॉइंट हमने आपको बता दिया. और अगर हम बात करें पहले मैच का, तो पहला मैच जो है वो चढ़गांव, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. 7 टीम्स 46 मैच, बस इतना याद कर लीजिएगा. हो सकता हो अगर डीप में पूछेगा अभी, तो इससे डीप में कहां जाएगा भाई, यही नहीं. तो ये भी पॉइंट हमने बात कर ली. रीच टू एनशुअल 7 और 8 नहीं, 7 टीम. ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं आपके सामने. Which of the following day International Anti-Corruption Day 2019 is observed globally? Guys, days आपको learn करने हैं, आपके exam में एक number का आता है. अभी से आलस त्याग दें, कम से कम एक दिन से. For example, आज क्या है? आज Thursday है, for example. तो 26 तारीख है, तो 26 तारीख को हमें नवंबर का या दिसंबर का या अक्टूबर के डेज कंप्लीट करने हैं. 27 को हमें अक्टूबर कंप्लीट करना है. टारगेट बना खुद से अचीव करें. और यहां पर आंसर आप लोग दे रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज 9 दिसंबर. ठीक है, क्या इसकी कोई थीम थी? क्या इसकी कोई थीम थी? अगर थी तो या कमेंट करें मुझे. क्या इसकी कोई थीम थी? अगर थीम थी गाइस, जस्ट कमेंट करें. और कोई सांस नहीं ले रहा है यहां पर कमेंट करने के लिए, देखते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं. और अमित पाटिल बोले हैं यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन बच्चे बोल रहे हैं. ठीक है, आइए देख लेते हैं. तो 9 दिसंबर को ये सब क्या है भाई? तो 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया गया, और इस बार की थीम क्या है? पाटिल साहब बिल्कुल सही, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन. तो ठीक है, देख लीजिएगा यहां पर, ये भी आपको लर्न करना है.
चलिए प्रियंका जी कोई बात नहीं, अभी लर्न कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फिनलैंड सोशल डेमोक्रेट इलेक्टेड 34 ईयर ओल्ड, नाम बताइए इनका, टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मेकिंग हर द यंगेस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री हिस्ट्री। फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेट यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनी गई है ये, यानी कभी कभी गाइस पार्टी का नाम भी पूछा जाता है, पार्टी का नाम भी पूछा जाता है, तो आपको पार्टी का नाम भी याद रखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, तो ये तो आप लोग बता ही लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सना मरीन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। यहां बात हो रही है फिनलैंड की, यहां बात हो रही है फिनलैंड की, तो जी यहां बात हो रही है फिनलैंड की, तो फिनलैंड में और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो फिनलैंड की कैपिटल एंड करेंसी, तो कैपिटल हेलसिंकी एंड करेंसी इज द यूरो, तो ये भी देख लीजिएगा। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था नहीं तो मैंने ये चिपका दिया, कम से कम रिवीजन तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है गाइस, देख लें। चलिए, वेयर वॉज द 8th एडिशन, 8वां एडिशन, 8th एडिशन ऑफ द एम्बेसी एनुअल फिल्म फेस्टिवल टाइटल्ड एम्बेसडर चॉइस स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म इज हिट। 8वां एडिशन एम्बेसी एनुअल फिल्म, ये क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिल्म फेस्टिवल टाइटल एम्बेसडर चॉइस स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा गया, तो रियाद सऊदी अरेबिया आप लोग बोल रहे हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि हु इज द इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, इंडिया एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया कौन है, जरा मुझे ये बताइए। इस फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था वो बता दीजिए, और इस फिल्म की क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई वो किस मूवी के साथ हुई ये बता दीजिए। तीन क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, आंसर दीजिए जरा मुझे। पवन कपूर, पवन कपूर है यार, मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया है? अच्छा रुकिए जरा, रुको जरा, सब पवन कपूर बोले लाइन से, क्या भैया कविता ओ माय गॉड क्यों बोल रही हो, मूवी देख रही हो क्या? पवन कपूर आप लोग श्योर हैं? एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए यहां पे, तो इंडिया के पॉलिटिशियन सुरेश प्रभु, सुरेश प्रभु जो हैं, हु इज विजिटिंग द किंगडम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द ओपनिंग सेरेमनी, तो सुरेश प्रभु ओपनिंग सेरेमनी में गेस्ट थे। इंडिया के अंबेसडर औसफ, औसफ सईद, क्या ये गलत मैंने लिखा है? इंडियन एम्बेसडर औसफ सईद गेव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, जरा सा पहले चेक करिए जरा मुझे। पवन कपूर यूएई के हैं भैया, तुम लोग यार कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, आगे भूल गया हूं मैं, चलो बस सब गलत सलत तुम लोग करो, मेरा नाम लेना लास्ट में कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था ये सब। देखिए यहां पे तो औसफ सईद इज राइट आंसर गाइस। द फेस्टिवल विल कंक्लूड विद द स्क्रीनिंग ऑफ क्वीन, मतलब ये जो मूवी खत्म हुई वो क्वीन नहीं, कंगना रॉट की मूवी, बढ़िया मूवी थी, उस पर मतलब ये मूवी खत्म हुई, तो आपके सामने है। अंकिता कंफ्यूज हो जाती है बेटा, तो कंफ्यूजन दूर करो ना, जब तुमको पता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो कुछ ट्रिक बना लो ना माइंड में कि कभी गलत ना हो। जैसे मैं हमेशा ईरान और इराक की करेंसी में कंफ्यूज था, तो मैंने बना लिया नल, ईरान न रियाल, तो मैंने दोनों के न और ल ले लिए, नल बना लिया। तो आशीष झा, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूं, बस एक तुम हो। चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गाइस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक पार्ट इन द 54th डीजीपी आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, तो 54th एडिशन था ये, देख लीजिएगा ध्यान से, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इसमें कॉन्फ्रेंस में, ये कहां पर हुआ ये आपसे पूछा गया है। बिट्टू बोल रहे हैं लखनऊ, बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं पुणे, मयंक भी बोल रहे हैं लखनऊ, निखिल बोल रहे हैं माई सिटी, सबसे सेफ आंसर माई सिटी बोल दो, आंसर मत दो। और इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम बच्चों ने पुणे बोला है, तो पुणे इज राइट आंसर। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बस आपको ध्यान क्या देना है, ये 54th एडिशन था गाइस, और ज्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बना नहीं तो मैं कहां से नहीं ला सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देख लीजिए यहां पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो किस राज्य ने अभी अपने राज्य के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन किया, ये आपसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है,
विक्रम अधिकारी हरियाणा, सारे बच्चे हरियाणा बोल रहे हैं, क्या ये सही आंसर होना चाहिए हरियाणा? तो हरियाणा इज राइट आंसर। हरियाणा में कहां जी? हरियाणा में कहां जरा मुझे ये बताओ, हरियाणा में कहां जरा मुझे ये बताओ, और मुझे ये भी बताओ इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई। हाँ, वो तो हमने कल ट्रैक किया, पढ़ लिया था ना, गुरुग्राम में। चलो गुरुग्राम मान लिया, इसकी कॉस्ट बताओ, इसकी कॉस्ट कितनी थी? आप लोग पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स, दिसंबर मंथ की न्यूज है सारी की सारी। गुड़गांव इज राइट आंसर, गुड़गांव इज राइट आंसर। मुझे बताइए इसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट। हर्षल बोल रहे हैं 32 से 35 करोड़, ये कट ऑफ की बात थोड़ी ना, रेंज बता रहे हो इसके। कविता बोल रही है 50 करोड़, अधिकारी साहब बोल रहे हैं 35 करोड़, भावना बोल रही है 32 to 35 करोड़, मतलब ये रेंज वाली बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आंसर देखते हैं, आंसर इज 38 करोड़। आ जाओ, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, कहां पे किया? गुड़गांव में किया, और इसकी टोटल कॉस्ट थी 38 करोड़ रुपीज। तो ये भी इंफॉर्मेशन है, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है और हमें इसका आंसर देना है। देख लीजिए यहां पर, Who among the following was crowned Miss Universe 2019 in Atlanta, US? यानी Miss Universe का ये जो इवेंट था, इसका मुझे एडिशन बताइए, कहां पर हुआ? तो अटलांटा यूएस में हुआ। रनर अप कौन था ये बताइए, और 2018 में जो विजेता थी, जिन्होंने क्राउन पहनाया, उनका नाम बताइए। आंसर, बफरिंग नहीं हो रही है जी, चलिए सारे लोग बोल रहे हैं आंसर। अच्छा, ये आप लोग बोल रहे हो जोजी बिनी तुंजी। अच्छा, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है मुझे ये बताइए, रनर अप का नाम बताइए, और मैंने क्या पूछा था, कौन सा एडिशन था ये बताइए। धीरज बोल रहे हैं 68, धीरज बोल रहे हैं 68, महिमा बोल रही है 68, मीनू बोल रही है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, ये साउथ अफ्रीका से। आगे देखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो मिस साउथ अफ्रीका, मिस साउथ अफ्रीका जोजी बिनी तुंजी, तो ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है, जो कि अटलांटा यूएस में हुआ। आपको ये पॉइंट फोकस करना है, नाम याद रखना है, मिस साउथ अफ्रीका 68th एडिशन था, एक पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, मिस यूनिवर्स पोर्टोरिका, रिको, पोर्टोरिको, पोर्टोरिको नाम सुना होगा आपने, तो पोर्टोरिको की जो वहां से चुन के आई थी, वो इनका नाम था मेडिसन एंडरसन, ये रनर अप थी, मेडिसन एंडरसन। और लास्ट ईयर की विनर कैट्रियोना ग्रे, इन्होंने खिताब, इन्होंने मतलब वो जो होता नहीं है क्राउन, वो क्राउन पहनाया। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने आपको दे दिए हैं। हाँ, प्रेरणा लिखा तो है बेटा, अटलांटा यूएस, यूएस में हुआ 68th एडिशन, नाम आपको मालूम चल गया, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, और पुर्टो रिको की मेडिसन एंडरसन जो है वो सेकंड नंबर पे थी, और लास्ट ईयर की विनर कैट्रियोना ग्रे जो है, उन्होंने मिस तुंजी को क्राउन पहनाया। तो ये सारे पॉइंट आपके सामने है, याद कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, निखिल जी को एज भी बताया, बोल रहे 26 साल की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। द विच सैटेलाइट मेड बाय इजरायली स्टूडेंट विल बी लॉन्च फ्रॉम इसरो श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट। यानी कि आपको ये बता दिया गया है कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, इसरो ने लॉन्च किया इजरायली साइट, जो कि इजरायली बच्चों ने बनाया था, ये आपको बताना है। कौन से लॉन्चर ने लॉन्च किया, मतलब पीएसएलवी, एसएलवी, कौन सा वो बता दीजिए मुझे। इनके नाम तो आप बता नहीं पाएंगे, मुझे भी याद नहीं है फिलहाल। और यहां पर मैक्सिमम सही आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम सही आंसर आ रहे हैं, एंड द आंसर इज डुकी फैट 3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डुकी फैट 3। तो बेसिकली इसराइल के बच्चों के द्वारा ये बनाया गया है, तो ये पॉइंट तो आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, और गाइस और शेयर कर दीजिए, 102 लोग देख रहे हैं, कम से कम 200 लोग देखें, और लाइक वाइक कर दो भाई यार, 52 लाइक है केवल 52। देखिए, आइए आइए, तो तीन इजरायली बच्चे, इनके नाम यहां पर हैं, एलोन, मिटेव, सैमुअल। ठीक है, ये इनके नाम है, आप चाहें तो नाम याद कर ले, चाहे तो स्किप कर दें, वो आपके ऊपर है। ये तीनों ने मिलकर, ये तीनों कहां पढ़ते हैं, ये तीनों शार हनिगेव हाई स्कूल में पढ़ते हैं इजराइल के। तो इन्होंने, ये इंडिया है, इनकी सैटेलाइट दुकी फैक्ट जो है इसे लॉन्च किया गया, किससे? पीएसएलवी C48, देख लीजिए, पीएसएलवी C48 से लॉन्च किया गया, कहां से? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए। और देखिए, बिसाइड डुकी फैक्ट 3, द पीएसएलवी C48 ने एक रीसेट 2BR1 को भी लॉन्च किया, और एक सैटेलाइट और भी कंट्रीज के थे। अब मेरी बात ध्यान सुनिए,
8 सैटेलाइट ये हो गए, 9 ये हो गया, 10वां ये, यानी टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च किए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम बात करें डुकी फैट के साथ गाइस, तो हमारे इंडिया का रीसेट 2B R1 भी लॉन्च किया गया और 8 अलग अलग फॉरेन सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए। कहां से किए गए? श्रीहरिकोटा से किए गए, PSLV C-48 से किए गए। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, देख लीजिए यहां पे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है गाइस, आपको याद करना है। तन्वी जी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब जीए बाई अभिजीत सर नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनवाइटेड बाई फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑन इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यूयॉर्क। तो भारत के रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होने वाला 26 जनवरी को, तो वहां पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किसको बुलाया है, इनवाइट किया है, ये आपसे पूछा गया है। वी एफ फाइव ऑप्शन जल्दी से। और यहां पर अन्वेषा का पहला आंसर नहीं, सिन्नी का नहीं, सुरेश का पहला आंसर आनंद कुमार, देन मीनू, देन सिन्नी, देन अन्वेषा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आनंद कुमार जी हमारा सही आंसर है। गाइस यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए यहां पे गाइस, देखिए ध्यान से, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन हैज इनवाइटेड आनंद कुमार जी अ फंक्शन ऑन द इवनिंग इंडिया न्यूयॉर्क में, ये होगा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये जो 2020 साल है 26 जनवरी 2020, ये 50th एनिवर्सरी है ऑफ FIA, मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो मैं भी अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो ये बन सकता है ना कि किस एनिवर्सरी के लिए बुलाया गया है, तो 50th एनिवर्सरी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, वो हम करते जा रहे हैं। आफ्टर LIC का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, उसके बाद हमने बहुत है ना, समझ ना मेरी बात, तो देखना पड़ेगा कैसे ना। और मजे की बात देखो कि मैं दिसंबर ही करवा रहा हूं, अभी मैं दिसंबर ही एक दो दिन और करवाऊंगा, सारे पॉइंट हो जाएंगे जब तब हम आगे बढ़ के फिर नवंबर पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आप लोग को मालूम है, विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट द 26th एडिशन ऑफ द गाइस वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स। कहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया? मस्कट ओमान में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 26th एडिशन था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और किस शहर को वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन चुना गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, रजनी सिंह जी, बढ़िया, वेरी गुड। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आबू धाबी हैज बीन सिलेक्टेड। तो ये पूरा हो गया, पूरा क्वेश्चन ध्यान से। मैं हमेशा बोलता था अपने पेड क्लास में भी कि देखो एमसीक्यू में आंसर याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन याद रखना है, कि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। आइए, हाउ मेनी एंटरप्रेन्योर विल बी ट्रेन बाई वॉलमार्ट फ्रॉम द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। तो वॉलमार्ट जो है हमारे देश में कितने लोगों को, कितने एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करेगा फॉर द एमएसएमई सेक्टर? वी हैव फाइव ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन है। और यहां पर 50,000 लोग बोल रहे हैं, आप लोग आंसर दे रहे हैं। क्या ये 50,000 सही आंसर है? तो ये 50,000 बिल्कुल सही आंसर है। तो 50,000 एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करेगा वॉलमार्ट, क्यों करेगा वो देखिए, देखिए यहां पर ध्यान से। तो वॉलमार्ट 50,000 एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करेगा फॉर द एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि वॉलमार्ट इंडिया में 50,000 एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करेगा किस सेक्टर के लिए? रिटेल सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर? तो एमएसएमई सेक्टर, पहला पॉइंट। अब देखिए, द ऑब्जेक्टिव विल बी फुलफिल्ड बाई ओपनिंग 25 इंस्टीट्यूट हब, यानी कि 25 इंस्टीट्यूट हब खोला जाएगा अगले 5 सालों में ये एंटरप्रेन्योर, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स का। यह भी ध्यान दीजिएगा, 25 इंस्टीट्यूट खोला जाएगा और इसमें अगले 5 सालों में, यह भी बताया जा रहा है। एडिशनल पॉइंट है गाइस, इसे भी आपको देखना है, इसे भी आपको लर्न करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने देख लीजिए यहां पर, ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट सैंक्शन लोन वर्थ ओवर 10 लाख करोड़ रुपीज टिल 1 नवंबर 2019। ये भी आप लोग बता देंगे इस 1 नवंबर 2019 तक आपसे पूछा गया कि किस स्कीम में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख करोड़ रुपए बांट दिए, ये आपसे पूछा गया है।
अब देखिए आंसर सही आ रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, आंसर बच्चे बोल रहे हैं मुद्रा स्कीम। क्या मुद्रा स्कीम तो आपने सही बोल दिया, अमाउंट आपके सामने, जरा मुझे बताइए कि इस 10 लाख करोड़ रुपए अमाउंट के लिए कितने लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का मतलब कितने लोगों को ये लोन बांटा गया। अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए तो 10 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ गाइस, हो सकता हो कोई बंदा 1 लाख ले, कोई बंदा 5 लाख ले, कोई बंदा 10 लाख ले, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कितने लोगों को बांटा गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये घुमा दिया तो, मुद्रा स्कीम कब लॉन्च हुआ, क्वेश्चन ये घुमा दिया तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर, देखिए देखिए यहां पर, तो आंसर आपको पता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो गाइस गाइस देखिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, देखिए अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टोटल 20.84 करोड़ लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का मतलब गाइस ये सब पैसा ऑनलाइन आपके अकाउंट में आता है, तो 20.84 करोड़ लोन अकाउंट बोलिए या 20.84 लोग बोलिए, उनको बांटा गया पैसा 10.24 लाख करोड़, एग्जैक्टली 10.24, ये इतना अमाउंट बांटा गया। ये इंफॉर्मेशन किसने दी, ये इंफॉर्मेशन दी है संतोष कुमार गंगवार जी ने लोकसभा में, ठीक है। तो 20.84 लोन अकाउंट में 10.24 लाख करोड़ बांटे गए, इंफॉर्मेशन किसने दिया आपके सामने। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये अप्रैल 8, 2015 में लॉन्च हुआ, 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ है और 1 नवंबर 2019 तक 10.24 लाख करोड़ रुपीस बांट दिए गए, ध्यान से, ठीक है। और आपको पता है गाइस कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण तीन कैटेगरीज में लोन बांटे जाते हैं। शिशु में मैक्सिमम 50,000 रुपए, आपको यह भी पता होगा, किशोर में 50,000 से ज्यादा कितना तक तो 5 लाख रुपए तक, और तरुण में 5 लाख से ज्यादा मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। हालांकि अभी नितिन गडकरी जी ने बोला कि हम विचार कर रहे हैं कि मतलब ये जो आपका तरुण है इसमें लिमिट 20 लाख रुपए तक कर दी जाए, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है फाइनलाइज, तो ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। शिशु में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से ज्यादा लेकिन मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक, और तरुण में 5 लाख से ज्यादा लेकिन मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, याद रखेगा। देखिए यहां पर लिखा भी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं गाइस। चलिए, नेम द स्टेट वेयर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड 500 बी बॉक्सेस, 500 इलेक्ट्रिक पोल्ट्री व्हील्स एंड 200 लेदर टूल किट, ये भी आप लोग बता देंगे। अच्छा, जब राज्य बताइएगा ना, तो राज्य में मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा जहां पर यह बांटा गया। एग्जैक्टली मैं, राजस्थान इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा मुझे डिस्ट्रिक्ट बताइए वो शहर कौन सा था। चलिए, राजस्थान इज राइट आंसर, राजस्थान हमारा सही आंसर है। मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जल्दी से, और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दें और लाइक कर दें से। बोलो, मीनू यादव, बिल्कुल सही, मीनू यादव का पहला आंसर सही आंसर। देख लीजिए, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने गाइस 500 बी बॉक्सेस, 500 इलेक्ट्रिक पोल्ट्री व्हील्स एंड 200 लेदर टूल बांटे, कहां बांटे, बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान तो याद करना सही है, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको यह भी लर्न करना है कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज राइट आंसर। चलिए, अपने मन से नहीं जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मल्टी सेल बॉक्स टाइप लोड क्लास 70 ब्रिज विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जगदीश गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपसे पूछा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, उन्होंने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है जो कि मल्टी सेल बॉक्स टाइप लोड क्लास 70 ब्रिज है। इसका लेंथ कितना है ये आपसे पूछा गया, और यहां पर मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 72, बट मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 72, तो मेरा उन बच्चों से क्वेश्चन भी है, ब्रिज का नाम बताइए जरा, ब्रिज का नाम बताइए, वो ये ब्रिज कौन सी नदी नाले पर बना है वो बता दीजिए मुझे, इस ब्रिज को किसने बनाया है वो बता दीजिए मुझे, और किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया है मुझे ये भी बता दीजिएगा।
सियाचिन, आइए आइए बात करते हैं। हाँ, रजौरी, रजौरी डिस्ट्रिक्ट को ये जोड़ेगा। देखिए तो 72 मीटर इज राइट आंसर गाइस। देखिए यहां पे तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने इनॉग्रेशन किया है द्रास ब्रिज। क्या नाम है इसका? द्राज, डी आर ए जे। द्राज एक आप नाला बोल सकते, मैं आपको सुनाता हूं। द्राज ब्रिज इन रजौरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे? रजौरी डिस्ट्रिक्ट। द्राज ब्रिज इसका नाम है। द ब्रिज स्पैन ओवर द्राज नाला। नाला मतलब वो हमारे शहर नाला नहीं, नाला मतलब छोटी सी नदी को नाला बोल देते हैं। तो द्राज नाला पर ये बना है जो कि द्राज एरियाज को रजौरी से जोड़ेगा। और 70 टन की पेलोड क्षमता इसकी है, 70 टन तक ये पेलोड कर लेगा। अच्छा, द इंपॉर्टेंट ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाई 110 110। देखो यहां पे 110 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, 110 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऑफ 31 टास्क फोर्स ऑफ प्रोजेक्ट संपर्क। तो प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत ये बना है। किसने बनाया है? 110 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, बीआरओ। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, एक कंपनी है उसके अंदर में। क्या नाम है? 110 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत यह ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज की क्षमता 70 टन तक की वजन को सहने की है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी में यह बनाया गया है, द्राज नाला के ऊपर बनाया है। इस ब्रिज को हम क्या बोलेंगे? द्राज ब्रिज बोलेंगे। और यह द्राज एरिया को कनेक्ट करेगा रजौरी से। आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए यहां पर। आज के क्वेश्चन डेंजरस नहीं है बेटा, अब क्या किया जाए, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो क्या अब करना ही पड़ेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है। और क्वेश्चन क्या देख लीजिए यहां पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली लॉन्च इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ऑन हाउ मेनी ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत सरकार के एक बॉन्ड को लॉन्च किया है, उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। बोला है इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। अब ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का मतलब क्या है? तो जिन बच्चों ने मुझे कैपिटल मार्केट के लिए फॉलो किया है तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाए हैं, और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में मैंने आपको ऑप्शन भी पढ़ाए, राइट टू सेल, राइट टू परचेस, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। और अगर ये भी क्लियर नहीं है तो मेरा एक वीडियो पढ़ा है बेटा अनअकैडमी पर ही, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उसमें मैंने आपको कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड पढ़ाया है, अगर आप देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर दिए फिलहाल इसका। और यहां पर बिल्कुल सही बिट्टू, बिल्कुल सही आंसर। और इसका आंसर है 10 साल। तो ये 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है, एनएससी ने इसको लॉन्च किया है और ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पे है। ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा आप एक काम करिएगा क्लास खत्म होने के बाद या जब भी आप फ्री हो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बाय अभिजीत सर अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट सर्च कर लीजिएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा। वहां पर एक बॉन्ड है कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड, वो पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, तो एनएससी ने 10 ईयर सरकारी बॉन्ड को लॉन्च किया है। दीस इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आर बेस्ड ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, और मतलब 2029 में ये मैच्योर होंगे। इसमें दो इंटरेस्ट रेट हैं, एक पर 7.26 है और एक पर 6.45% का इंटरेस्ट है। 7.26% 6.45% देख लीजिए यहां पे। ठीक है जग्गू भाई, शायद तो ये हमने यहां पर बात कर लिया। ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड $500 मिलियन बोलिए या फिर 3561 करोड़ बोलिए लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट इन द नेबरिंग कंट्री। व्हाट इज द आंसर? और यहां पर मैक्सिम बच्चे बोल रहे हैं एक्सिम बैंक, क्या एक्सिम बैंक सही होगा? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। अब मुझे 3 क्वेश्चन का मेरे आंसर दीजिए, एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, एक्सिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर और एक्सिम बैंक के चेयरपर्सन कौन है। 3 क्वेश्चन का आंसर। चेतन जी मस्त रहिए, थोड़ा टाइम पर आइए, 9:30 पे क्लास हमारी शुरू होती है। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर इन मुंबई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। एक्सिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982, याद रखिएगा
नाबार्ड और एक्सिम बैंक एक ही साल ये सब बने थे और दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में, नाबार्ड मुंबई, एक्सिम बैंक मुंबई, दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982। और अभी तक किसी ने बताया नहीं कि एक्सिम बैंक के हेड कौन है। डेविड रस्किन्ना, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन बिटवीन दिस कंपनी एंड सऊदी अरमाको, दिस इंस्टीट्यूशन एंड सऊदी अरमाको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इकोसिस्टम इन इंडिया इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो गाइस पूरा क्वेश्चन अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, बस आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक फिल कर देना है, आप सही आंसर दे दोगे। प्रियंका जी मैं कमेंट बिल्कुल देख रहा हूं आपका, और यहां पर आप लोग बोलो एनएसआईसी, तो क्या एनएसआईसी सही आंसर है? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, एनएसआईसी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। तो एनएसआईसी और सऊदी अरमाको के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरमाको इंडिया में ऑयल और गैस सेक्टर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बेसिकली मतलब ट्रेन करेगा, यहां पर इकोसिस्टम डेवलप करेगा, काम करने का माहौल डेवलप करेगा इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Who among the following has been conferred with the Lifetime Achievement Award by the Consumer Electronic and Appliances Manufacturers Association? Consumer Electronic and Appliances Manufacturers Association ने इसमें से किसको Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया है, यह आपसे पूछा गया है और आपको उसका सही आंसर भी देना है। What is the right answer? ये ओनिडा, ओनिडा जानते हैं, उनका कंपनी के फाउंडर भी थे। जी हाँ, इनका नाम क्या है? इनका नाम है गुल्लू मीरा चंदानी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। नेम द इलेक्ट्रिक इंजीनियर हु इन्वेंटेड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी और बार कोड हु पास्ड अवे रिसेंटली। अमेरिका के निवासी थे, अमेरिकन इंजीनियर थे, नाम बताइए। मुझे याद है जब 2014 में मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, दैट टाइम पर ये जो कंप्यूटर का माउस होता है, माउस के इन्वेंटर का निधन हो गया था, उस पर क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऑबिट्रीज में। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, जॉर्ज जोसेफ लॉडर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अमेरिकन है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द दिल्ली डायलॉग 11 विद द थीम। मैंने कल आपसे पूछा था और थीम को मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में शो किया था, तो क्या आप लोग को थीम आज याद है? वो मैं देखना चाहता हूं। 11वां एडिशन दिल्ली डायलॉग थीम आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए जल्दी से, मैंने कल ये पढ़ाया है और कल ही आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ये दिखाया है। जिन बच्चों ने पीडीएफ पढ़ा होगा वो बता लेंगे, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं वो नहीं बताएंगे। एंड द आंसर इज एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेट हैज वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जागा मिशन, स्लम लैंड टाइटलिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मिलियंस ऑफ अर्बन पुअर पीपल लिविंग इन स्लम। तो किस स्टेट को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है अपने ये जो प्रोजेक्ट है जागा मिशन उसके लिए? एंड द आंसर इज ओडिशा। ओडिशा इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओडिशा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 138 नंबर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट एज विच लिस्ट, विच मॉन्यूमेंट लिस्ट, ये आपसे पूछा गया है। मस्ट वॉच, मस्ट विजिट, मस्ट सी, मस्ट व्यू, मस्ट स्टॉप ओवर, what is the answer? मसी, सारे बच्चे मसी बोल रहे हैं, जी हां, तो मसी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लोअर्ड इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2019-22। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी भारत की ग्रोथ रेट कितनी कर दी है, यह आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 5.1%। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस टू इनेबल स्कूल टीचर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम बाय यूजिंग आईसीटी टूल्स। तो यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस,
ने किस किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है टू एडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स? एंड द आंसर इज डेल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारा सेशन, आई होप कि आपने इसे पसंद किया होगा। 1:30 पे हम लोग फिर से मिल रहे हैं, 1:30 पर हम लोग मिलकर बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, और अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए यूज करें AM लाइव कोड, ये मेरा कोड है फॉर 10% डिस्काउंट, तो ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे अनअकैडमी वॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं 1:30 पर।